हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का यहाँ पर वेलकम है ऑनलाइन क्लास के अंदर। लास्ट वीडियो हमने 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, जिसके अंदर हमें कितनी टर्म्स लेनी चाहिए कि उन सभी टर्म्स का सम वहां पर कुछ नंबर दे रखा था वो हो जाए। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ करेंगे 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें देखिए क्या कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म्स, यानी कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है हमें, 25 टर्म्स का, है ना। तो सीरीज ऑफ एन टर्म इज गिवन, तो हमारे को यहाँ पर जिस सीरीज के 25 टर्म का सम निकालना है उसका एन टर्म हमारे को यहाँ पर दे रखा है। अब हम एन टर्म की बात करें तो एन टर्म तो हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस वन बी, लेकिन यहाँ पर जिस सीरीज के 25th टर्म का हमें यहाँ पर सम निकालना है तो वहां का जो एन टर्म है वो इस प्रकार है, हमारे को यहाँ पर दे रखा है। ध्यान रखिए हर एक सीरीज के लिए एन टर्म अलग अलग निकाला जा सकता है, यानी उसके अंदर अपन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे को एन टर्म कुछ इस टाइप से दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इस एन टर्म में एन की जगह 1, 2, 3 पुट करके यहाँ पर हम सबसे पहले एपी फाइंड कर लेंगे। अब हमें सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन बी। अगर हमें इस फॉर्मूले से एस एन निकालना है, यानी सम निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स का, तो हमें यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना हमारे पास यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, तो हम कैसे फाइंड करें। या दूसरा तरीका क्या है कि एक और फॉर्मूला हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। अब इसके लिए हमें किसकी जरूरत है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की है, ठीक है स्टूडेंट। इस फॉर्मूले से फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, एन की जगह 1, 2, 3 पुट कर देंगे। तो 1, 2, 3 पुट करने पर हमें a1, a2, a3 यानी 3 टर्म्स मिल जाएंगे एपी के, तो वहां से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। और एन हमारे को यहाँ पर 25 दे रखा है, तो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 25 टर्म का सम आ जाएगा, है ना। लेकिन इस फॉर्मूले से निकालना क्या होगा, इजी होगा। क्यों होगा इजी, देखिए यहाँ पर जब मैं एन इज इक्वल टू यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो हमें देखिए a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 1 यानी कितना मिला 7। तो a1 यानी क्या हो गया यहाँ पर, फर्स्ट टर्म हो गया सीरीज का। अब देखिए यहाँ पर कितने टर्म्स का सम निकालना है, 25th टर्म का हमें यहाँ पर सम निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो भी सीरीज है जिसका हमारे को nth टर्म दे रखा है उस सीरीज का लास्ट टर्म क्या हो गया यहाँ पर, 25 टर्म हो गया, यानी 25th टर्म ही यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म है। किसका, इस वाली सीरीज का जिसका हमारे पास nth टर्म है। तो हम क्या करेंगे 25 पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो 25 पुट करने से हमें क्या मिलेगा, 25th टर्म मिलेगा। तो 3 प्लस 4 25। अब देखिए कितना हो गया, 3 प्लस 25 into 4 तो हो गया 100, और 100 प्लस 3 कितना हो गया यहाँ पर 103। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर 25th टर्म मैंने क्या बताया, लास्ट टर्म ही है, 25th टर्म ही क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म है। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गया यहाँ पर स्टूडेंट, है ना, फर्स्ट टर्म भी आ गया हमारे पास और लास्ट टर्म भी आ गया, और एन इज इक्वल टू का हमें यहाँ पर दिया है कितना, 25। तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, वही होता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, n कितना है, 25 है, हम यहाँ पुट कर देते हैं 25/2। फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास 7 प्लस l, l कितना है हमारे पास 103, क्लियर। तो 25/2 7 प्लस 103 कितना हो गया यहाँ पर 110 हो गया, ठीक है। अब इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से कितने टाइम जाएगा, पहले 5 टाइम जाएगा, फिर कैरी किया 1, फिर 5 टाइम चला जाएगा, यानी 2 से कितने टाइम चला जाएगा यहाँ पर 55 टाइम। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 55 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1375, यानी हमारे पास इस nth टर्म वाली सीरीज का 25th टर्म का जो सम है वो कितना होगा, 1375 होगा। एक बार फिर से समझिए हमने क्या यहाँ पर किया कि हमारे को 25 टर्म का यहाँ पर सम निकालना था, ठीक है, जिसका nth टर्म हमारे को यहाँ पर दे रखा है 3 प्लस 4n, क्लियर। हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे जिससे हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद हम डायरेक्टली इसमें क्या करेंगे 25th टर्म रख देंगे, क्यों, क्योंकि इस वाली जो nth टर्म वाली जो सीरीज है इसका लास्ट टर्म ही क्या है यहाँ पर 25 है इसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे डायरेक्ट 25 रखने पर हमें क्या मिलेगा, लास्ट टर्म मिल जाएगा। तो जब हमें किसी भी सीरीज का पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म
और लास्ट टर्म मिल जाए और यदि हमें एल भी दे रखा हो यानी नंबर ऑफ टर्म्स भी दे रखा हो तो हम इजीली इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स का। तो हमने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया, लास्ट टर्म भी निकाल लिया और हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स भी दे रखे हैं। तो हमने सम ऑफ एंथ टर्म का फॉर्मूला लगाया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। फर्स्ट टर्म कितना था हमारे पास 7, एल कितना हमारे पास 103 और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी 25.2 हमने रख दिया। ठीक है, अब 7 + 103 कितना हो गया 110 हो गया। अब 110 को हम 2 से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 55 टाइम जाएगा। हम 55 को क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें 1375 मिल जाएगा जो कि क्या होगा इस nth टर्म वाली सीरीज का यहाँ पर क्या होगा 25th टर्म का सम मिल जाएगा हमें। अब ऐसे ही क्वेश्चन और स्टूडेंट, an इज इक्वल टू 7 - 3n। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही हमें करना है। इसमें भी हमें क्या करना है 25th टर्म का ही सम फाइंड करना है। क्या करना है 25th टर्म का ही सम फाइंड करना है। तो इसमें भी आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म निकाल लोगे कैसे n की जगह 1 रख के और लास्ट टर्म निकाल लोगे कैसे n की जगह 25 रख के। तो आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आ जाएगा और n आपको यहाँ पर दे ही रखा है कितना 25। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे जिसमें ये तो एज इट इज हो जाएगा और फर्स्ट टर्म और यहाँ पर कॉमन सॉरी लास्ट टर्म आप निकाल सकते हो। तो मैं आपको शॉर्टली निकाल के बता सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म कितना मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए 7 - 3 1 पुट करोगे तो कितना मिलेगा फर्स्ट टर्म 4 और लास्ट टर्म आप निकालोगे तो n इक्वल टू आप क्या रखोगे यहाँ पर 25 रखोगे। तो n इक्वल टू कितना अच्छा लास्ट टर्म कितना जाएगा 825 इक्वल टू 7 - 3 25। अब आप बताइए 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 7 - 75 n कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा क्योंकि 3 से कितना होता है 75। अब इसमें से आप यहाँ 75 में से आप 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, पहले 5 माइनस कर दीजिए कितना हो गया 70। अब 70 में से भी 2 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 68। अब 68 तो आ जाएगा लेकिन यहाँ पर सिर्फ 75 जो है माइनस का है तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर लास्ट टर्म तो कितना आ गया -68 और फर्स्ट टर्म कितना आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ पर आप फर्स्ट टर्म की जगह रख दोगे कितना 4 और लास्ट टर्म की जगह रखोगे -68। तो 4 - 68 कितना हो जाएगा 64। अब 64 को आप जब 2 से डिवाइड करवा दोगे तो कितना आ जाएगा 64 से डिवाइड करना है पर 32। अब 32 को 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो इस सीरीज के भी 25 टर्म का आपके पास क्या आ जाएगा सम आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप में सॉल्व कीजिए है ना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको यहाँ पर सीखने को मिले और पता भी चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। और फिर भी अगर आपको कोई समझने में कमी नजर आती है तो आप एक बार इस वीडियो को शुरू से देखिए ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और ये एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यहाँ पर है ना। तो थैंक यू वेरी मच, इसको सॉल्व करिएगा।